हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर जीके बुक क्लास 7। लास्ट टाइम वी लर्न अबाउट वाइल्ड एनिमल्स एंड नाउ वी लर्न अबाउट फंगी एंड मशरूम। चैप्टर 5 आई एम रीडिंग, यू विल बी लिसन केयरफुली। फंगी आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड इन देयर ओन किंगडम। फंगी जो है, फंगी फफूंद को कहते हैं बच्चों। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड देयर ओन किंगडम। फंगी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच आर क्लासिफाइड, जिन्हें कि वर्गीकृत किया गया है इन देयर ओन किंगडम, उनका अपना एक साम्राज्य है। फंगी डज नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सन। फंगी जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। फ्रॉम द सन लाइक प्लांट्स, पेड़ पौधों की तरह सूर्य से वे अपना खाना नहीं बनाते हैं। इंस्टीड इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अपना भोजन मृत जीवों से और सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। यू कैन फाइंड फंगी इन डैम्प वॉर्म प्लेसेस। आप फंगी कहाँ पाते हैं? जो गर्म इलाके होते हैं, गर्म और नमी वाले इलाके होते हैं वहाँ पर। बट ऑल्सो इन द एयर, सॉइल, वाटर एंड ऑन प्लांट्स। लेकिन हम इन्हें कहाँ कहाँ देख सकते हैं? मिट्टी में, पानी में एंड ऑन प्लांट्स, और पेड़ पौधों के ऊपर। फंगी आर विजिबल ओनली व्हेन स्पोर बियरिंग फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म। फंगीज जो हैं वो हमें कहाँ दिखाई देती हैं? When spore bearing fruiting bodies form में दिखाई देती हैं हमको। चलिए अब कुछ फंगीज के बारे में और इनके वर्ल्ड के बारे में हम जानते हैं कि इनकी दुनिया कैसी है, और इसके बारे में नई नई जानकारियां लेते हैं। रीड केयरफुली एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स रिलेटेड टू फंगी यूजिंग द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स दे रखा है आपको यहाँ पर, इसकी हेल्प से हमको यहाँ फिलअप करना है इनमें, ठीक है ना? चलिए वन बाय वन मैं रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इन्हें फिलअप करने का प्रयास कीजिए। सम फंगी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द, यहाँ ब्लैंक दे रखा है, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें क्या आएगा? डीकम्पोजिशन। क्या आएगा? डीकम्पोजिशन। यहाँ आपके हेल्प बॉक्स में ये वर्ड्स दे रखे हैं, आप इनमें से देखकर भरें। आर यूज्ड टू डाई फैब्रिक एंड वूल। इसे कपड़ों की रंगाई के लिए यूज किया जाता है। फैब्रिक एंड वूल क्या है? ये लिचेंस है। ये थर्ड है, द ब्लैंक है यहाँ, दैट मेक ब्रेड राइज इन काइंड ऑफ फंगस। किसको बनाने में ब्रेड राइज
और काइंड ऑफ फंगस, ये एक तरह का फंगस है जिसको ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं यीस्ट। ठीक है, सम फंगी आर यूज्ड टू किल, खाली जगह है यहाँ, ब्लैंक प्लेस है, दैट कैन कॉज इन्फेक्शन एंड डिजीज इन ह्यूमंस। कुछ फंगी ऐसी होती हैं जिनके कारण इन्फेक्शन और डिजीज इंसानों में होते हैं, विच आर कॉल्ड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उसे? बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी फंगी आर यूज्ड एज फूड सच एज मशरूम एंड ब्लैंक प्लेस है यहाँ ट्रूफल्स। कई फंगीज ऐसे होते हैं जिन्हें भोजन के रूप में हम यूज करते हैं, मशरूम एंड ट्रूफल्स ऐसे ही फूड हैं। नेक्स्ट है एन एंटीबायोटिक इज मेड फ्रॉम अ फंगस। एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है इस फंगस से, क्या नाम है उसका? पेंसिलिन। आपको पता है ये किस में यूज होता है? यस। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक गार्डनर्स एंड फार्मर्स यूज फंगी टू किल, ब्लैंक प्लेस है इसमें, जो जैविक खेती करते हैं माली और किसान वो इस फंगी को यूज़ करते हैं टू किल, किसे मारने के लिए? पेस्ट्स। फंगी रिसाइकल प्लांट्स आफ्टर दे डिड डाई एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू रिच। जब फंगी प्लांट्स को रिसाइकल किया जाता है वे समाप्त हो जाते हैं तब, एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू रिच सॉइल, वे अच्छी मृदा के रूप में काम आते हैं। साइंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ फंगी आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। वे साइंटिस्ट जो फंगीज के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें माइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर एट लीस्ट 1.5, यहाँ क्या आएगा ब्लैंक प्लेस में, मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंगी। लगभग 1.5 मिलियन डिफरेंट प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं फंगी के। इट्स अ वंडर, ये वाकई में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है कि 1.5 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज हैं इसकी, फंगी की। यस, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द फंगस। यहाँ ब्लैंक प्लेस है, इज समटाइम्स यूज्ड इन द प्रोसेस व्हेन मेकिंग स्टोन वास्ट जीन्स। देखिए इसमें क्या आएगा? ट्राइकोडर्मा। क्या आएगा? ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट है आर पार्ट ऑफ द क्लब फंगी ग्रुप। यह क्लब फंगी ग्रुप का एक पार्ट है। क्लब फंगी ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप में उगते हैं ये। ठीक है, दे आर द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ए फंगस। ये फ्रूटिंग बॉडी फंगस है, इसे क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या बोलते हैं इसको? मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा, इसको हिंदी में कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ये आपको अपने बुक में कंप्लीट करना है और इसके बारे में जानना है।
लर्न करना है इसको। ओके, हैव अ गुड डे बच्चों।